वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स गाइज, मैं हूं आपका होस्ट मनीष। और आज ये पार्सल मुझे मिला मेरा दोस्त अश्विन से, तो चलिए उनसे मिला हुआ ये पार्सल को अभी अनबॉक्स करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, पार्सल तो काफ़ी भारी भरकम था, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kgs ऑलमोस्ट। और इसमें ज़्यादातर DC का ही कॉमिक्स है, कुछ ट्रेड पेपरबैक्स, ये एक सिंगल इशू है, और उसके साथ साथ एक इमेज कॉमिक्स का ट्रेड पेपरबैक भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या है। सो ये है ईयर ऑफ द विलेन इशू 1, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न इसके अंदर कुछ विलेन से रिलेटेड वन शॉट कॉमिक्स हैं। सो ये है स्पॉन बुक 5, और इसमें एक कम्प्लीट स्टोरी है। एंड दिस इज द फ्लैश रिबर्थ बाई जेफ जॉन्स एंड इथन वॉन स्काइवर। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं फ्लैश का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट अश्विन भाई रिकमेंडेड मी दैट आई शुड रीड दिस स्टोरी बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट रीड। और मजे की बात यह है दोस्तों कि एक्चुअली दिस इज अ गिफ्ट टू मी फ्रॉम हिम, मेरा बर्थडे गिफ्ट था बेसिकली, बट इंडिया पोस्ट इतना जल्दी डिलीवरी करता है कि मुझे बर्थडे का अप्रॉक्सीमेटली 20-30 दिन बाद मिल रहा है ये, बट it doesn't really matter, and thanks a lot for this awesome gift Ashwin bhai, beautiful। So yeah, look out for the review of Flash Rebirth by Jeff Johnson, Ethan Von Skyver on this channel। और ये है Justice League Volume 5 Forever Heroes New 52 सीरीज का है, और आप में से बहुत लोग को पता ही होगा कि मैं New 52 सीरीज का सारा वॉल्यूम्स कलेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई थिंक आई एम जस्ट लैगिंग बाय 2 or 3 वॉल्यूम्स नाउ। मैं ऑलरेडी इसको रैंडमली पढ़ रहा हूँ जो भी वॉल्यूम मुझे मिल रहा है, बट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फिर से ऑर्डरली फैशन में पढ़ूंगा एक बार। सो हियर आई ब्रिंग यू फॉर एवर हीरोज बाय जेफ जॉन्स, इवन रेस एंड अ बंच ऑफ द क्रिएटर्स। तो न्यू 52 का जस्टिस लीग का जो रन है बहुत ही वेल रिसीव्ड है, क्रिटिक्स भी बहुत अच्छा रिमार्क्स दिए हैं, रिव्यूज भी बढ़िया है, और फ्रेंकली मैं भी जितना पढ़ा हूँ आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। उसके बाद आता है बैटमैन डिटेक्टिव कॉमिक्स न्यू 52 का वॉल्यूम 4 द रैथ। और सच बताऊं तो इसका हार्ड कवर ऑलरेडी है मेरे पास, हार्ड कवर एडिशन, बट आई स्टिल बॉट दिस फ्रॉम हिम बिकॉज ही वांटेड द हार्ड कवर एंड आई डोंट माइंड एक्सचेंजिंग इट विथ हिम। दिस इज बेसिकली एन एक्सचेंज, नॉट अ बाय, बट स्टिल ये जो वॉल्यूम है काफ़ी मज़ेदार है, और जेसन फेबो का आर्ट वर्क तो लाजवाब। और एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देर इज अ बिफोर वॉचमैन डिलक्स एडिशन हार्ड कवर बुक। एंड बिफोर वॉचमैन सीरीज इज बेसिकली अ प्रीक्वल टू द वॉचमैन सीरीज। इसमें कुछ मेन जो कैरेक्टर्स है वॉचमैन का, उनका लाइफ का कुछ इवेंट्स के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है, और उन स्टोरीज को बहुत अच्छी तरीके से इन डिलक्स एडिशन फॉर्मेट में पेश किया गया है। और ये बुक पढ़ने के बाद आपको और भी ज्यादा पता चलेगा कमेडियन और रॉर्शक के बारे में। तो चलिए आपको थोड़ा इनसाइड आर्टवर्क दिखा देते हैं। सो ये है पहला हाफ ऑफ द बुक फोकसिंग ऑन द कमेडियन, और बिफोर वॉचमैन सीरीज का यही फोकस था कि जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में रीडर्स को और थोड़ा बेहतर नॉलेज हो, ताकि रीडर्स वॉचमैन को और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाए, उनका कैरेक्टर्स का और भी बेहतर समझ हो रीडर्स को। कमेडियन स्टिल गोइंग ऑन, या तो ये पहला हाफ ऑफ द बुक खत्म होने के बाद रॉर्शक का स्टोरी शुरू हो रहा है यहाँ से, एंड वन ऑफ माई फेवरेट कॉमिक बुक आर्टिस्ट ली बर्मेहियो ने काम किया है इन दिस लेटर हाफ ऑफ द बुक। सो या आई एम रियली हाइप्ड अप अबाउट रीडिंग दिस बुक एंड रिव्यूइंग इट सम टाइम ऑन माई चैनल। तो इसका रिव्यू भी आ रहा है, एक्सप्लिसिट कंटेंट। सो गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा टीजर। तो अभी कुछ देर पहले मुझे और भी 2 पार्सल्स मिले हैं, ये रहा वो 2, और इनका भी अनबॉक्सिंग आ रहा है, तो अनबॉक्सिंग का सिलसिला जारी रहेगा इस चैनल पे। और ये मुझे एक्चुअली गिव अवे में मिला है फ्रॉम कॉमिक स्कूप, एंड आई वांट यू गाइस टू गेस कि इन पार्सल्स के अंदर क्या है। आपको एक हिंट देने वाला हूँ मैं, या इस लोगो की ओर गौर कीजिए और गेस कीजिए, कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कि इसके अंदर
कौन सा कॉमिक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इनके अनबॉक्सिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।